गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है 13 जुलाई 2020 और आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स में आपका मैं अर्चना सिंह वेलकम करती हूं। तो आज देख लेते हैं देश और दुनिया में क्या नया हुआ, क्या नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमी और स्पोर्ट्स में नई न्यूज़ है जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज की न्यूज़ देखने के साथ साथ प्लस मेंस की जो सीरीज़ हमारी चल रही है GS 1, 2, 3, 4 वो तो एज इट इज़ चलती रहेगी। आज भी मैं एक दो वीडियोस अपलोड करूंगी, प्लस हम आप लोग अगर प्री की तैयारी कर रहे हैं तो 2 मिनट का क्विज कॉन्टेस्ट हमारा चल रहा है तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट ले सकते हैं। तो अगर आप क्वेश्चंस के आंसर देते हैं नीचे आप अपने मार्क्स बताइए और अच्छे से अच्छे तैयारी कीजिए अपनी। नेक्स्ट इसके अलावा हम आज का इतिहास भी लेकर आए हैं जिसके अंतर्गत आप लोगों को आज के दिन क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, किन व्यक्तियों का जन्म हुआ, किन व्यक्तियों का निधन हुआ, इन सबसे रिलेटेड सारी न्यूज़ आप लोगों को उसमें मिलेगी। तो बहुत सारी वीडियोज़ हमारे चैनल पर चलाई जा रही हैं जो आपके, तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करती होगी। कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हैं 13 जुलाई के दिन। तो सबसे पहली खबर है आज की कि हाल ही में नादौन पुलिस स्टेशन देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है और ये किस राज्य में है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है ये आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये राज्य है हिमाचल प्रदेश। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश का नादौन जो पुलिस स्टेशन है वो सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन इंडिया में चुना गया है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इसकी राजधानी शिमला है, इसके मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है लिंगप्पा नारायण। लोकसभा में 4 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, विधानसभा में 68 सीटें हैं। और हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे की बात करें तो रोहतांग दर्रा, शिपकिला दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, लाचा आएगा यहाँ पे, बड़ा लाचा दर्रा, ये प्रमुख दर्रे हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो पिन वैली नेशनल पार्क, ग्रेट इंडियन नेशनल पार्क, रोहिल्ला नेशनल पार्क, किरण गंगा नेशनल पार्क, सिमलबरा नेशनल पार्क, इंद्र किला नेशनल पार्क, सीकरी देवी नेशनल पार्क मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में गूगल ने गूगल प्लस को किस नाम से रीलॉन्च किया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका रीलॉन्च हुआ है गूगल करेंट नाम से। गूगल करेंट अब गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर उपलब्ध है। हालांकि गूगल का ये ऐप दोनों ऐप स्टोर पर मौजूद है लेकिन अभी भी इसका इस्तेमाल सिर्फ एंटरप्राइजेस कस्टमर ही कर सकते हैं। अगर हम गूगल की यहाँ बात करें तो ये एक तरह का सर्च इंजन है जिसकी स्थापना सितंबर 1998 को हुई थी। मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया यूएसए में है। संस्थापक संगेई ब्रिन और लैरी पेज हैं और इस समय इसके सीईओ हैं सुंदर पिचई जो इंडियन मूल के हैं, आप लोगों को पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IOC ने अपनी किस बिल्डिंग को 2020 का EU ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड दिया है। तो ये दिया गया है लुसाने में। लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित एक देश है, ओलंपिक हाउस जिसके पास सबसे दुर्गम लीड प्लैटिनम प्रमाण भी है, दुनिया की सबसे मजबूत इमारतों में से एक है। IOC की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जो कि विश्व में ओलंपिक खेलों को रेगुलेट करती है। इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को। मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है और अध्यक्ष हैं थॉमस वॉच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया ग्लोबल वीक 2020 कार्यक्रम को संबोधित किया, इसका आयोजन कहाँ हुआ था। तो इसका आयोजन किया गया है ब्रिटेन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया ग्लोबल वीक 2020 के उद्घाटन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। ये कॉन्फ्रेंस ब्रिटेन में बी द रिवाइटल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड की थीम पर 3 दिनों तक आयोजित किया जाएगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के स्क्वैश खिलाड़ी रानेश वल एल वेली ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है। तो ये है मिस्र की स्क्वैश खिलाड़ी। मिस्र की 31 वर्षीय स्क्वैश खिलाड़ी रानेम एल वेली ने संन्यास लेने की घोषणा की और विश्व में शीर्ष रैंकिंग पर काबिज रहने वाली महिला स्क्वैश खिलाड़ी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में किस वर्ष में बाघों पर किया गया सर्वेक्षण गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। तो ये किया गया था, आप लोग को याद होगा, जैसे कि 2018 में एक सर्वेक्षण बाघों पर किया गया था जिसमें बाघों की संख्या दुगनी हो गई बताई गई थी और ये सर्वेक्षण में अब इस सर्वेक्षण को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिल गया है।
ये दुनिया का सबसे बड़ा सर्वे साबित हुआ है। आज तक जितने भी सर्वे हुए सबसे बड़ा सर्वे ये हुआ है। ये 121,337 वर्ग किलोमीटर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी होने की वजह से किस राज्य ने सभी यूनिवर्सिटी की आगामी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं? तो ये की है दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार ने सभी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम जो है वो रद्द कर दिए हैं। इसमें सभी आगामी सेमेस्टर टर्मिनल फाइनल एग्ज़ाम सब शामिल यहाँ पर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और यूरोपीय संघ का 15वां शिखर सम्मेलन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किए जाने की घोषणा की गई है। तो ये की गई है 15 जुलाई 2020 को। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। तो भारत और यूरोपीय संघ का 15वां शिखर सम्मेलन 15 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किए जाने की घोषणा की गई है। इस वर्ष के शुरू में आयोजित किए जाने वाले इस सम्मेलन को कोरोना वायरस की वजह से स्थगित कर दिया गया था, बट अब हो रहा है वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की कैबिनेट ने हाल ही में राज्य की स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी दी है? तो ये हमारा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, इसके एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की कैबिनेट ने हाल ही में राज्य की स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी दे दी है, जिससे नए व्यापारिक विचारों का पोषण किया जा सके। कैबिनेट के इस फैसले से भारत के शीर्ष 3 स्टार्टअप अनुकूलन राज्यों से बराबरी करने के अपने लक्ष्य को ये पूरा कर सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने महीने तक के बढ़ाने की मंजूरी दी है? तो ये दी है 5 महीने तक बढ़ाने को मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 महीने बढ़ाने के लिए मंजूरी दे दी है। अब ये योजना जुलाई से नवंबर 2020 में लागू होगी और इस योजना के माध्यम से 5 महीनों में 81 करोड़ लोगों के बीच 203 लाख टन अनाज वितरण किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में दुनिया के सबसे बेहतरीन स्टील्थ फाइटर जेट बनाने की घोषणा की है? तो ये की है जापान ने। जापान ने हाल ही में दुनिया के सबसे बेहतरीन स्टील्थ फाइटर जेट को बनाने की घोषणा की है, जो कि 2 इंजन वाले होंगे और अगले कुछ वर्षों में तैयार हो जाएंगे। साथ ही हाल ही में अमेरिका और जापान के बीच F-35 फाइटर जेट की भी डील हुई है। तो आज की करंट अफेयर यहीं ख़त्म होते हैं। होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।